बट सब सत्तर हजार लोग जब बात कर रहे हैं लेकिन अगर सौ केसेस जेन्युअन आए तो उसमें से तीन चार लोगों ने अटेंशन के लिए भी किया बिल्कुल बिल्कुल अब जेन्यून केसेस के ऊपर भी फिर सवाल उठा जब नकली केसेस आए और मैंने अब पिछले दस पंद्रह साल में कोई हरासमेंट नहीं फेस की लेकिन शुरू शुरू में की हुँ. बहुत से लोग मुझे कहते हैं तुम इतनी अग्रेसिव सी हो तुम पे कौन लाइन मारेगा सो द फैक्ट इज उस वक्त भी लोग तंग करते थे एंड साहब और उस वक्त मैं थी जरा छुई आई अगर मैंने कुछ कहा भी उस वक्त तो मेरा काम खत्म हो जाना है और तो कुछ नहीं होना लोग तो बदलने नहीं वाले क्योंकि इनको आदत है कि जब भी कोई नई आएगी इंडस्ट्री में पहले उस पर हाथ फेरेंगे उसके बाद उसे काम देंगे स्टेज पर मुझे समझ आ गई कि अपने आप को इतना अग्रेसिव इतना इन योर फेस कर दो कि अगला बंदा डर जाए कि कोई पंगा लेते हुए बचास तबा सोचे कि ये सौ बंदे के सामने बोल देगी वेरी गुड बिल्कुल आपकी और आदत लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए बॉस हाँ। क्यों मुझे क्यों बट को फोन करना पड़ता था कि यार बट फलां बंदा बार बार फोन कर रहा है मुझे जूते पड़ेंगे मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी तू बट ने दो दफा मेरे लिए जाके बंदों को समझाया कि भाई क्या मसला है यार कौन है बट वो बंदे उठो चले जरा उठो अभी चलो मेरे तो साथ हो मैं बात खत्म अच्छा। हो गई बच्चे हो गए सेट हो गए <laughs> इंसान बन गए सारे देखिए गलती इंसान से होती है आपको इतनी लेट क्यों याद आया बोरी के नीचे आई हुई थी पहले क्या मतलब <laughs> अब क्यों बता रही हैं अगर वो सारे बड़े हो चुके हैं तो मैंने किसी का नाम लिया

तो ये उनकी खूबी है उनकी क्वालिटी है मगर औरतों को वो चीजें नहीं मिलती लेकिन व्हाट अब व्हाई देखो इतना अग्रेसिव और ए होने की वजह से एननियो हाँ। फेस होने की वजह से मेरी पर्सनालिटी हां मुझे लगता है थोड़ी सी मुतासिर हुई है बिकॉज़ आई लाइकड बीइंग अ लिटिल सॉफ्ट भाई आगे चलते हैं वक्त होता है माइंड द न्यूज़ का बीवी की बेलाज खिदमत के 22 10 साल बाद कावन कौमे से बाहर आ गया वो कोमे से बाहर तो उसने आना ही था क्योंकि वो कोमे में गया भी तो बीवी की वजह से था <laughs> कावन जब कोमे में जा रहा था तो बीवी उसे कह रही थी मेरे टोल सफाई दिया रखा <laughs> एक अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं अभी पिज्जा खाएं और बिल मरने के बाद अदा करें न्यूजीलैंड के एक रेस्टोरेंट ने दिलचस्प ऑफर कर दी मरने के बाद कोई बिल कैसे अदा कर सकता है ओहो मेरी जान हमारे इधर लोग मरने के बाद अपने वाजबात अदा करते हैं ओ। तो छोड़ो इन बातों को चलो तुम्हें न्यूजीलैंड से पिज्जा खिला के लाओ अब इतना दूर न्यूजीलैंड जाने की क्या जरूरत है आप यहीं पे खिला दे मैंने आपको उस जगह से खिलाना है जिम्मे मुफ्त मिलता दा आयशा जहाजेब का कहना है कि शादी से पहले उन्होंने अपने खावन को भाई कहा तो वो गुस्से हो गए देखे आयशा जहाजेब इतनी खूबसूरत खातून है वो किसी को भी भाई कहेंगी तो वो गुस्से में ही आएगा <laughs> तो क्या आप, आपको भाई कह दें आयशा जहांजेब मुझे भाई कह दें तो चलेगा लेकिन जुगन मुझे कभी भाई ना कहें हो, हो। <laughs> कह रहे हैं आप उनको भाई ना कहें आप कह देंटमेंट <laughs> अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हानिया आमिर ने इंडियन अदाकारा से रिश्ता करवाने की मदद मांग ली वैसे ये क्या हरकत है रिश्ता क्या गुम हुआ है जो ढूंढने में मदद मांग ली और बेचारी कितनी मासूम है जिसे ये पता नहीं कि भारत में अगर रिश्ता ढूंढना हो तो किसी अदाकारा से नहीं बरनी से कहना चाहिए बहुत अच्छे रिश्ता करवाना है जेल में से कैद माहिगीर वापस नहीं लेना कलीर और रहमान कमर ने जहेज की लानत से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लव मैरिजेस का मशवरा दिया और ज्यादा से ज्यादा लव मैरिज और खलील साहब खुदा का वास्ता लव मैरिज एक ही होती है अरे वो लोगों को कह रहे हैं कि लव मैरिज करें ओहो अभी शो के स्टार्ट में बट जी आपने खुद ही तो कहा था कि लव मैरिज की रेशो पाकिस्तान में पाँच फीसद इसीलिए तो जहेज की लानत का खात्मा नहीं हो सका हाँ ठीक है तुम्हारी बात लेकिन अभी पाँच फीसद लव मैरिज है तो आबादी का ये आलम है मैं तो यही सोची जा रहा हूँ आप बस यही सोचते रहे हम में बच्चे भी ज्यादा होते हैं अगली खबर सुने आप लोग जो गाड़ी खड़ी थी वो टैक्स की ना दहिंदा निकली तो वालों का ध्यान पड़ गया, गया। तो कितना मोहतात रहना पड़ेगा अब हमें ओ महरीन मोहतात क्यूँ रहना है गाड़ियों के टोकन जमा करवाओ और ईजी फिर भाई कभी बंदा मसरूफियत की वजह ऐसी टोकन नहीं अदा कर पाता ओ मसरूफियत किस बात की मैंने तो रेशम को कितने अरसे से देखा है वो काम ही नहीं कर रही काम करो अपने लिए कौम के लिए हाईजान खबरें सही पड़े मेरे गैस हो गया कोई बात नहीं पूरी कौम सोई हुई है इनका क्या है